मेरे पिता भी बहुत सालों तक नौकरी में थे, बहुत दिनों बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ के राजनीति में प्रवेश किया। अभी तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, अभी सरकारी नौकरी और अच्छी सैलरी है तो मैं बहुत खुश हूँ। 15,000 रुपये प्रति माह हर पंचायत को दिया जाना है और ये राशि सीधा मुखिया के पंचायत के खाते में जाएगा। कि जब केरला के दौर पे हम लोग गए थे तो हमने पाया कि केरला के जो पंचायत है बहुत विकसित है और झारखंड के जो पंचायतें हैं यहाँ पोटेंशियल बहुत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इन धनुष और मैं हूँ ध्यानंद राय। आज हमारे साथ बातचीत के लिए है पंचायती राज विभाग की निदेशक निशा उरांव। निशा उरांव जी लगातार पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए कार्यरत हैं और हर कोशिश जो उनके द्वारा की जा सकती है वो कर रही हैं। निशा उरांव जी की दूसरी पहचान ये भी है कि वो राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी की सुपुत्री हैं। तो हम मैम से बात करते हैं, आपके पिता राजनीति में है, राजनीति आपके परिवार का हिस्सा रही है, तो आपने प्रशासनिक सेवा को क्यों चुना, राजनीति में क्यों नहीं? जी ये अच्छा सवाल है आपका। दरअसल जो बच्चे होते हैं अपने पिता से माता से बहुत प्रभावित रहते हैं, तो मेरे पिताजी सरकारी सेवा में थे और मैं बचपन से उनको सरकारी सेवा में देखती थी, तो मुझे बहुत शौक था कि पिताजी की तरह मैं भी एक दिन सरकारी नौकरी करूं और इसी वजह से मैं यहाँ हूँ, वही मेरे आइडियल हैं। तो जैसे एक समय के बाद आपके पिता ने चुना राजनीति को, आप भी राजनीति में जाएंगे ऐसा हम लोग संभावित तौर पर मान के चले? ये अभी तो मुझे सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी एक अलग प्रकार का गारंटी होता है। मेरे पिता भी बहुत सालों तक नौकरी में थे, बहुत दिनों बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ के राजनीति में प्रवेश किया। अभी तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, अभी सरकारी नौकरी और अच्छी सैलरी है तो मैं बहुत खुश हूँ। मैम, ये पंचायतों के लिए जो कार्यक्रम है, झारखंड और केरल की पंचायतें कहाँ ठहरती हैं, जो गैप है कितना बड़ा है? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब केरला के दौर पे हम लोग गए थे तो हमने पाया कि केरला के जो पंचायत है बहुत विकसित है और झारखंड के जो पंचायतें हैं यहाँ पोटेंशियल बहुत है। हम लोग उसी प्रकार से शुद्धिकरण की ओर बढ़ सकते हैं यहाँ के पंचायतों के लिए भी। यहाँ के मुखिया अभी निर्वाचित होके आए हैं पिछले साल और उनमें बहुत जोश है और वो बहुत आगे बढ़कर काम करने को तैयार है, तो अभी गैप ज़्यादा है क्योंकि अभी पूरी तरह से क्रियाशील बहुत सारी शक्तियाँ उन्हें मिली हैं लेकिन उनकी क्षमता विकास अभी होनी है। क्षमता विकास के बाद वो अपनी सारी तमाम शक्तियों का और तमाम अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन कर सकेंगे और इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, योजनाएं हैं, उनसे उनको सरकार की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा तो वो और बेहतर तरीके से अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभा सकेंगे। पंचायती राज विभाग की अभी हाल की उपलब्धियों पे बात करें तो क्या उपलब्धियां हैं जो हम लोग जानते नहीं, जिनको जानना चाहिए जनता को? जी, पंचायती राज विभाग में कुछ नई योजनाएँ हैं जो सरकार ने जिसकी इस साल शुरुआत की है। जैसे उदाहरण के लिए एक पंचायत शुद्धिकरण योजना है जिसमें 15,000 रुपये प्रति माह हर पंचायत को दिया जाना है और ये राशि सीधा मुखिया के पंचायत के खाते में जाएगा ताकि मुखिया अपनी ज़रूरतों के अनुसार इस 15,000 की राशि को रख रखाव में, सुरक्षा के लिए, बिजली के लिए, इन सब मिसलेनियस कामों के लिए मुखिया ने खर्च कर सकता है। ये एक योजना है जिसे मुखियाओं को बहुत सपोर्ट मिलेगा। दूसरी एक प्रज्ञा केंद्र की योजना है। अभी भी कुछ प्रज्ञा केंद्र है जो पंचायत सचिवालय में बैठ रही हैं, बट कई प्रज्ञा केंद्र हैं जो गांव में तो है लेकिन पंचायत सचिवालय में नहीं है। अब आपने आज के सेमिनार में सुना होगा कि जो पंचायत है वो एक सर्विस सेंटर हब के रूप में विभाग उन्हें विकसित करना चाहती है और इसके लिए ज़रूरी है कि प्रतिदिन पंचायत सचिवालय खुला रहे, तो और वहाँ खुला रहे और वहाँ तमाम जो सरकार की सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो पंचायत सचिवालय में ही दे दिया जाए। तो इसके लिए प्रज्ञा केंद्र हर पंचायत सचिवालय में बैठेगी जिसके लिए एक पैकेज की राशि सरकार प्रज्ञा केंद्र को देगी ताकि वो वहाँ बैठे और तमाम इस तरह की ऑनलाइन सुविधाएं और जितनी भी गवर्नमेंट टू कस्टमर्स ऑनलाइन जितनी भी सुविधाएँ हैं, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, पेंशन, PM आवास, इस प्रकार का सारी सुविधाएँ और अन्य भी सारे योजनाओं का भी डिजिटाइजेशन पंचायत का, इस तरह की सारी क्रियाएं वो कर पाएंगे। ये जो कार्यशाला चल रही है उससे अपेक्षा क्या है विभाग को, पंचायती राज विभाग
क्या सोचता है कि क्या चीज़ें हो पाएंगी इस कार्यशाला के बाद? इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था मुखियाओं का उन्मुखीकरण करना, उन्हें ISO प्रमाण पत्र के बारे में बताना, क्योंकि जो 25 और 26 पंचायत आज चिन्हित हुए हैं पायलट फेज में, इन्हें पहले ये समझाना जरूरी था कि ISO प्रमाण पत्र है क्या और पंचायत को क्यों चुना जा रहा है। पंचायत भी एक सर्विस प्रोवाइडर, इसीलिए उस अच्छे सर्विस के लिए, उत्कृष्ट सर्विस के लिए ही ISO प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो हमें इस प्रकार से मुखियाओं का क्षमता विकास करना है कि वो अपनी बेहतर सुविधा सारे पंचायत वासियों को दे पाएँ, ताकि पंचायत वासियों को कभी ब्लॉक या जिला जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो पंचायत सचिवालय में ही तमाम सरकारी योजनाओं का और सेवाओं का सुविधाएं उनको जो पंचायत सचिवालय में ही मिल जाए। तो इसके लिए उन्मुखीकरण की आवश्यकता थी, जहाँ सारे माननीय उपस्थित थे, किला के टीम उपस्थित थे, तो एक टीम के बतौर सबने एक दूसरे से जुड़ाव किया, एक दूसरे से जुड़े, और अब हम अलग अलग फील्ड में जाएंगे, हर पंचायत जाएंगे किला की टीम के साथ, और वो इनके क्षमता विकास और तमाम जो भी गैप्स है उसका एनालिसिस करके एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, और उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम आगे काम बढ़ाएंगे। पंचायती राज विभाग के निदेशक के तौर पर आप किन चुनौतियों का सामना करती हैं और उनको हैंडल कैसे करती हैं? आसान काम नहीं है जी। मैं कहूँगी कि जो सरकार की योजनाएँ हैं, पहला हमारी जिम्मेदारी बतौर निदेशक यही है कि जो भी सरकार का विजन है और सरकार की योजनाएं हैं उनका संचालन करना और उन्हें ज़मीनी स्तर तक किस तरह से पहुंचाना है, ये उपाय निकालना और ये सारी इसी जिम्मेदारी को निभाना है। इसमें जिला प्रशासन से सहयोग मिलता है और ऐसी कोई मुश्किल नहीं आती है, मुखियाओं से भी सहयोग मिलता है। IDTV से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।